उन्होंने लॉन्च नहीं किए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदतन झूठ बोलते हैं, उनके स्वभाव में है झूठ बोलना, उनके स्वभाव में मक्कारी है। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। मैंने कल एक चैनल पर बात करते हुए कहा था कि कैलाश गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि बसें दिल्ली सरकार ने दी हैं, तो एक ऑर्डर दिखा दें, एक कागज सरकारी दिखा दें कि जिसमें दिल्ली सरकार ये कहे कि हाँ ये बसें हमने खरीदी हैं। नहीं दिखा सकते। ये भारत सरकार का पेपर है मेरे पास। 1221 बसें अंडर GCC मॉडल DTC को दी गई हैं। 300 e-buses have been sanctioned under EOI dated so-and-so and balance 921 e-buses have been sanctioned under demand aggregation model. DTC has been sanctioned ₹581,82,37,341 and for 1221 e-buses, out of which ₹182,36,47,438 has already been released. ये भारत सरकार का कागज है, मेरा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। पहली किस्त में कितने पैसे गए, दूसरी में कितने गए, ये बता दिया। अरविंद केजरीवाल दिखाएं। मोदी की गारंटी को अपनी गारंटी बताकर अरविंद केजरीवाल झूठी वाहवाही लेना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। दिल्ली की जनता जानती है कि ये केंद्र सरकार द्वारा दी गई बसेस हैं और दिल्ली की सहूलत के लिए, दिल्ली की जनता की सहूलत के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए दी हैं। तो भारत की केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल बताया कि उन्होंने क्या किया, एक रुपया भी अगर इन बसों पर दिया तो दिखाएं। लेकिन फोटो खिंचाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए आके बेशर्मों की तरह खड़े होना, ये मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आदतन झूठ बोलने की आदत है। पिछले 30 दिनों में, ये 30 दिन का डाटा है दिल्ली पुलिस का। और ये मैंने कहा अभी ठंड शुरू नहीं हुई है, अब तो ठंड बढ़ेगी आगे। इन्होंने बता दिया ठीक है, हमें मतलब किसी की मदद बता के नहीं की जाती, हमें जो करना हम करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। आप दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली का एक भी आदमी इस वजह से नहीं मरना चाहिए कि वो सड़क पर सो रहा है। आपकी जिम्मेदारी उनको रैन बसेरे में रखने की। लेकिन क्योंकि खुद आप करोड़ों रुपए के राजमहल में रह रहे, तो आपको तो इस बात का एहसास नहीं होता। आपके तो कमरे में और बाथरूम में भी गर्म एसी और ठंडे एसी दोनों लगे हुए हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है।